हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसमें एक तो अंबिकापुर बरवाड़ी रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सेंक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसमें काम होगा। एक खरसिया नया रायपुर होते हुए परमल कसा, ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और उसी तरह से एक लाइन है रावघाट जगदलपुर, नई रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है और आने वाले समय में ये सब काम स्वीकृत होंगे। और एक और रेल लाइन है धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, ये भी है, तो इस पर भी मतलब डीपीआर वगैरह बन रहा है। तो एक तरह से चार नया रेल लाइन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। का रद्द होना किसी कारण से ही हुआ है और हमारे जो रेल ट्रैक्स थे बहुत पुराने थे और मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती है, तो इसीलिए रेल का जो ट्रैक्स है उसको सुधारने के लिए ही सब बंद हुआ। सर कई जगहों पे दो लाइन है कि दूसरी लाइन को लेकर भी निवेदन आपको दे रहे हैं? वो सब सारी चर्चा हुई है, अब आने वाले समय में रेलवे के सेक्टर में बहुत काम छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।